दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जी ने हमेशा से ही गौतम अडानी जी के मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी जी को घेरा है। राहुल गांधी जी ने हमेशा से ही ये आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी जी की जो बीजेपी सरकार है वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करती है, प्राइवेट कंपनीज़ के लिए काम करती है। हमेशा से ही वो प्राइवेट कंपनीज़ के लोन जो है वो राइट ऑफ कर दी है या उन्हें विदेश भगा दिए जाते हैं और उन्हें लाखों करोड़ों रुपयों के लोन जो है वो बहुत आसानी से उपलब्ध किए जाते हैं। तो ये कई सारे आरोप जो है वो राहुल गांधी लगाते हुए आए हैं, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी को इससे कुछ खास वोटों का नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि ऑलरेडी वो राहुल गांधी जी को एक पप्पू का इमेज की तरह साबित कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी भी गौतम अडानी जी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ी हुई है और आम आदमी पार्टी का पीछे पड़ना डेफिनेटली बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी जो है वो अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर आंदोलन करके पूरे कांग्रेस पार्टी को हिला चुकी है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का पीछे पड़ना डेफिनेटली बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है बीजेपी को। फिलहाल आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी ने गौतम अडानी जी के मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी जी को घेरा। इसके अंदर नरेंद्र मोदी की एक बेशर्म सरकार चल रही है। देश के 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी को चुना है, लेकिन इतना बड़ा महाघोटाला हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, अडानी का घोटाला, इस पे आज तक जेपीसी नहीं बना रहे नरेंद्र मोदी जी। आप बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लोगों ने चुना है? सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना देता है, जांच के आदेश दे देता है, लेकिन ये बेशर्म मोदी जी की सरकार अडानी के घोटाले की जांच नहीं करा रही है, जेपीसी नहीं बना रही। क्यों? क्योंकि इनके भ्रष्टाचार का पैसा लगा हुआ, इनके घोटालों का पैसा लगा हुआ है। ये चोर चोर मौसेरे भाई का मामला है, इसलिए पूरे देश के सामने इसको हम लोग उजागर करेंगे। हमारी पहले दिन से डिमांड थी, बीआरएस आम आदमी पार्टी, हम दोनों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार किया था। पिछले सत्र में भी हमने ये आवाज उठाई और एक ही बात कही कि अडानी महाघोटाले की जेपीसी से जांच कराओ। इसी डिमांड पर आज भी हम लोग खड़े हुए हैं। जब तक जेपीसी नहीं बन जाती तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, हाउस के अंदर भी, हाउस के अंदर, हाउस के बाहर। एस लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। LIC लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। SBI लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे जनता को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अडानी घोटाले की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। मोदी अडानी भाई भाई, देश देश के भाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई, देश देश के भाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। मोदी अडानी भाई भाई, चोर चोर मौसेरे भाई।